सो फाइनली हम लोग मूसा का मसल्ला के समिट पे पहुंच आए हैं। ऑलमोस्ट खोड़ी से यहाँ तक हमें 5.5-6 घंटे लगे हैं। बहुत ही इजी, आराम से, सुकून से चल के आए। बहुत ही मज़े का ट्रैक है। और यहाँ पे होता है जी हमारा ट्रैक ख़त्म। हमारी ये जो मंजिल थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच जाए। ये है टॉप इमरान भाई। अल्लाह अकबर। वालेकुम। सुबह के 6 बजे का टाइम, टीम तैयार हो रही है मूसा का मसल्ला समिट के लिए। और इस तरफ नाश्ते के सीन्स, हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया है, अब अपनी अपनी तैयारियां, सामान पैक हो रहे हैं। समिट पुश वाले दिन जितना कम से कम सामान अपने पास रख सकते हैं रखें, ताकि रास्ते में आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो खास बात है ये है कि आपके पास पानी वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लोगों ने क्योंकि रात गुजारनी है ऊपर, लेट समिट पुश कर रहे हैं, वरना इससे भी पहले निकलते हैं हम लोग, क्योंकि जब वापस यहाँ पे आना होता है ट्रैक बहुत ही लेंथी हो जाता है। 4 लोग हैं हम, एक मैं, एक वो, एक ये और एक ये। चल चिल करते हुए जाएंगे ऊपर। समिट के बाद कुछ टीम वापस हो जाएगी, मैं और इमरान चोल मारेंगे फिर उधर ही। वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मसल्ला की जो सर्वाइवल नाइट थी उस पर इमरान और स्वाति के साथ क्या हुआ। ये जो बंदा पीछे छुप कर बैठा हुआ है ये कह रहा है आप लोग नाइट ऊपर नहीं गुजार सकते, क्योंकि हम लोगों ने अगर ऊपर नाइट स्पेंड कर ली तो भाई हमें खिलाएंगे देसी मुर्ग। अब इसका देसी मुर्ग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। के लिए निकलते हैं फिर अल्लाह का नाम लेके। तो वो 6:30 बजे का टाइम है और हम लोगों ने ट्रैक शुरू कर लिया है समिट पुश के लिए। मंजिल जो हमारी है वो किधर गई है, ये इधर आवे यार, ये है जी मूसा का मसल्ला। इसके टॉप पे जाना है। डेढ़ घंटा ट्रैक करने के बाद स्टे किया हम लोगों ने चाय बनाने के लिए। पहले पहले हमारे ट्रैक्स में ये चीज़ें नहीं होती थी, ये चाय वाय, लेकिन अब जो है ना चाय का सीन भी है। ये जो है ना ये हमारे शेफ़ जो हैं प्रोफेशनल, ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। और मूसा का मसल्ला यहाँ से अभी भी कितना बोलूँ, 2-3 घंटे होगा, तो चाय पीते हैं फिर ट्रैक शुरू करेंगे। ये जी चाय का काम जारी है सारी। क्या बात है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा स्टे करने के बाद दोबारा से ट्रैक शुरू कर दिया। एक साथी हमारा यहाँ से वापस हो गया, उसको यहाँ तक लाए इसलिए था कि वो सिलेंडर लेके आए ताकि हम चाय शाय पिए और वो वापस हो जाए। और ये बकाया टीम मसल्ले की समिट की ताबो तोड़ में, और बहुत सामने है ये समिट है यार। ये एम ही लोग वापस हो जाते हैं आके, और हम लोग कर रहे हैं जी विंटर समिट विदाउट बर्फ वाला समिट। हम लोग शहीद के मज़ार पे बैठे हुए हैं। बहुत ही मशहूर है ये मूसा के मसल्ले के ट्रैक पे ये वाला मज़ार जो है, मुझे तो मज़ार नहीं लगता, कुछ और ही लगता है। मतलब लाइक ऐसी मेरी सोच है कि सोनों ने दबाया होगा किसी हिंदू हिंदू ने, पर वो एक अलग सीन है। यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही कमाल का। इमरान भाई दिखाए ना जरा, सो फाइनली हम लोग मूसा का मसल्ला के समिट पे पहुंच आए हैं। ऑलमोस्ट खोड़ी से यहाँ तक हमें 5.5-6 घंटे लगे हैं। बहुत ही इजी, आराम से, सुकून से चल के आए। बहुत ही मज़े का ट्रैक है। और यहाँ पे होता है जी हमारा ट्रैक ख़त्म।
हमारी ये जो मंजिल थी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच जाए। यस, ये है टॉप। इमरान भाई, इस बंदे ने 20 दफा करने के बाद भी इसको जो है ना खुशी है। फाइनली मेरी टीम मसल्ले के टॉप पे पहुंच आई है। हम 5 लोग थे, अभी तक 3 पहुंच गए हैं, 2 रास्ते में हैं। और अभी हम यहाँ पे बनाने लगे हैं नूडल्स। मसल्ले की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि कोई टीम यहाँ पर आके नूडल्स बनाएगी, खाना बनाएगी। भाई क्या बात है, और नाइट स्टे करेगी। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात है नाइट स्टे ये बंदा और मैं यहाँ पे रात को, और मैं इधर क्या लेने आया हूँ यहाँ पे। ये बंदा वापस जाएगा, मैं और इमरान भाई यहाँ पे नाइट कैंपिंग करेंगे। किसने कहा यार जी, ये कुछ भी साथ नहीं लेके आए हुए, तो हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सर्वाइवल, रियल सर्वाइवल मैं करूँ विदाउट एनी इक्विपमेंट मैं रहूँ। ये सिर्फ व्लॉग की हद तक है। बंदा हाइट पे आया है, इसे हाइट लगी है, अब ये छोड़ रहा है। अच्छा, तो बात ये है कि नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स के बाद यहाँ पे कैंप के लिए जगह स्टेबल करेंगे और फिर कैंप्स लगाएंगे। लेकिन वो चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करने लगा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत नूडल वूडल बनाते हैं, उसके बाद हमें इजाजत दो जी। मूसा का मसल्ला आपने देख लिया, ट्रैक कैसा है, यहाँ तक कैसे आया, पहले व्लॉग में ही बता चुका था, अभी भी आपको बता रहा हूँ। नज़ारा यहाँ से कमाल का है, पीछे मुर्शिद का भी दीदार होता है। इस तरफ काफी सारे और पहाड़ हैं 6000-5000 मीटर के, जो कि आपको यहाँ से नजर आते हैं क्लियरली जब वेदर क्लियर हो। तो भाई को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह होपफुली अभी 10 मिनट बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे तो 10 मिनट है, लेकिन आप लोगों को शायद हफ्ते बाद वीडियो मिले। आप लोगों की दुआ चाहिए कि हम लोग यहाँ पे रात को सरवाइव कर पाए, क्योंकि 4000 मीटर है यहाँ पे, हवा बहुत तेज होगी, दिसंबर चल रहा है भाई, तो देखते हैं क्या होता है रात को हमारे साथ। फिर आप लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगी, लेकिन हम पे बीत चुकी होगी। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, पिक्चर बनानी है। हां, मंगल वाला कुछ ऐसी है, बस आता है।